हिमाचली लोक गायक रतत बिज की नई पहाड़ी एल्बम टशन पहाड़ा दा यूट्यूब पर रिलीज हो गई है। एल्बम में गाना रजत बिज के द्वारा लिखा और गाया गया है और ये एक हिमाचली पहाड़ी गीत है। नशे के खिलाफ फिल्माए गए इस पहाड़ी गीत का जादू फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है। ये वीडियो अपलोड होते ही पहले दो दिनों में यूट्यूब में करीब 30,000 लोग इसे पसंद कर चुके हैं। एल्बम की रिलीज HRDC निगम के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री ने की। हिमाचली लोक गायक रजत बिज की नई पहाड़ी एल्बम टशन पहाड़ा दा यूट्यूब पर रिलीज हो चुका है। एल्बम में गाना रजत बिज द्वारा लिखा गया है और गाया भी उन्हीं के द्वारा गया है। नशे के खिलाफ फिल्माए गए इस पहाड़ी गीत का जादू फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है। ये वीडियो अपलोड होते ही यूट्यूब पर धूम मचा रहा है। पहले दो दिन में ही यूट्यूब पर करीब 30,000 लोगों ने इसे पसंद किया है। एल्बम के रिलीज के और प्रमोशन के लिए HRDC निगम के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री भी हमीरपुर में मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस वीडियो सॉन्ग में लोक गायक रतत बिज और एक्ट्रेस नेहा चौधरी नशे के खिलाफ आवाज उठाते हुए परिवार में इसके दुष्प्रभावों का जिक्र करते नजर आ रहे हैं। साथ ही इस गाने को म्यूजिक परमजीत पम्मी ने दिया है। इससे पहले भी निक्कर वाली क्वीन एल्बम में भी लाखों लोगों ने रजत बिज के गाने को काफी पसंद किया था। रजत बिज ने इस एल्बम के बारे में बताया कि इस पहाड़ी गीत में एक शराब के आदि व्यक्ति को ये एहसास करवाते हुए बताया गया है कि दारू पीने से उसके परिवार के सदस्य खुश नहीं है। उन्होंने युवाओं को नशा त्याग कर अपना जीवन सुधारने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि नशा करने वाले कायर होते हैं और निरंतर से नशा छोड़ने के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए। दर्शन पहाड़ियां तो भैया ये एक पहाड़ी बंदे की स्टोरी है, रियल स्टोरी है कि बंदा मतलब दारू पी के मतलब दारू पीता है फिर पछतावा होता है उसको एक तरह से कि यार इतनी क्यों पीली, फिर उसको घरवाली से कुटाई होती है उसकी। फिर यही मोटो हमारा कि मतलब कुछ बंदे बोल रहे हैं नशे को प्रमोट करें, हम बोल रहे हैं नशे के वाला गाना नहीं। अगर आप ढंग से सुनोगे तो उसमें ये होगा कि कजो बनाई दारू है तू कजो बनाई हो, मतलब बंदा दारू की बोतल के साथ बात कर रहा है भाई तेरे को बनाया किसने भाई, पूरी दुनिया बिगाड़ दी। ये कब लॉन्च हुआ ये भैया? 17 तारीख को कल 7 बजे लॉन्च हुआ शाम। अभी तक क्या स्टेटस है भैया? मैं अभी एक दिन भी नहीं हुआ है पूरा और आई थिंक 35,000 के करीब व्यूज आ चुके हैं। पहले ही आपकी एल्बम रही है एक निक्कर वाली उसका क्या अभी तक क्या था? भाई निक्कर वाली क्वीन का तो थोड़ा लफड़ा हो गया था बीच में, मतलब बंदों ने साथ भी नहीं दिया कि थोड़ा मतलब कोर्ट केस भी चले, वो बड़ी लंबी कहानी है भैया। फिर मैंने बोला भाई मतलब ज़्यादा बंदे इस इंडस्ट्री में इस बिजनेस मान लेते हैं इस चीज़ को, पर फिर हम पहाड़ी होते हैं दिल से शांति वाले बंदे होते हैं, फिर हम दिल जुड़ा नहीं फिर हम वहाँ से आगे। टशन पहाड़ में कोई बोल सुनाइए। हाँ जी डायलॉग सुनाओ भैया, सॉन्ग सुनाओ। ओ कजो बनाई दारू ए तू कजो बनाई ओ, नाना कर दे यारा ने मिंजो दिती पे आई ओ, ओ कुनी बनाई बोतले तू कुनी बनाई ओ, मेरी लाड़िया नी छड़ना मिंजो होनी कुटाई ओ। एक निकर वाली क्वीन का रैना चे बैन के निकर वाली जींद बन के क्वीन, रैना चे बैन के निकर वाली जींद बन के क्वीन, रे दिलों को संभालो यारों हो रही हैं चोरियां, चंडीगढ़ से आई हैं यो निकर वाली छोरियां, निकर वाली छोरियां, अरे लग रही है एटम बॉम्ब बेबी काले कपड़ों में, तू ही वस्तु शाही है आज तक की खबरों में, रे नाम तेरे का गरम है मसला बच्चों से लेकर जबरों में, इब गाड करूंगा तुझको मैं भंगड़े डलेंगे डिस्को में, खुल्लम खुल्ले चलेंगे सारे सी। अगला क्या आपका क्या भैया? अगला भी पहाड़ी कल्चर को प्रमोट करना है, पहाड़ी कल्चर को आगे लेके जाएंगे, बॉलीवुड तक लेके जाने का सपना है और बॉलीवुड तक लेके जाएंगे। हिमाचल में क्या लगता है स्कोप है पहाड़ी कल्चर भैया? शुरू में जब हम इसमें आए थे तो मुझे भी बोला था बंदों ने कि भाई तेरी शक्ल सूरत अच्छी है बॉम्बे निकल ले, पर मैंने भी उनसे बोला भाई बॉम्बे में धक्के खाने से अच्छा मैं अपने घर में धक्के खाऊँ, क्योंकि घर जैसा माहौल तो होता नहीं है, कोई भी नौकरी बंदा करता है तो तरस जाता है घर आने। पर भैया हम अपने रूम से निकले बंदे हैं, डाउन टू अर्थ बंदे हैं, हम वहीं पर लिख सकते हैं अच्छा बॉम्बे जाके अपना मतलब बाहर बनेगी नहीं बॉम्बे से।
वहीं पहाड़ी एल्बम की रिलीज के लिए पहुंचे एचआरटीसी निगम के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री ने रजत बीज को शुभकामनाएं दी और कहा कि पहाड़ी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए रजत काम कर रहे हैं, जो कि बढ़िया प्रयास है। जटाशन पहाड़ियां दी, वैसे तो मैंने इसको ना स्टडी किया है ना मैंने देखा है, लेकिन हमारे यहाँ के लड़के हैं, पड़ोसी हैं, अच्छा कल्चर के इसमें काम कर रहे हैं, तो पहाड़ी कल्चर को बढ़ावा मिले और हमारी संस्कृति, लोक संस्कृति बचे फले बढ़े, उसके लिए कोई काम कर रहा है उसको प्रोत्साहित करने के लिए आज मैं यहाँ आया हूँ। और मैं इनको शुभकामनाएँ देता हूँ, अच्छा काम करें समाज में, ठीक जिसका इम्पैक्ट हो, और आप एक कल्चर को भी और अपनी संस्कृति को आगे ले जाने का काम करें।